हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दोस्तों, आज सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और हम यहाँ चौंडेरी में हैं इस वक्त। यहाँ से ये जो भाई हैं, इन्होंने अभी सूचना दी थी कि यहाँ कुंडी में एक सांप पड़ा है। दोस्तों चलिए ये देखिए, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारत का बहुत ही जहरीला सांप, और जिसको भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा मानना है, रात में के अंधेरे में गलती से गिर गया है कैसे भी, और ये निकल नहीं पा रहा। और ये सभी भाई लोगों ने मिलके कॉल किया था मुझे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों कि इन्होंने इस जीव की जान बचाने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं बाहर दोस्तों। और ये पानी में रहना पसंद नहीं करता दोस्तों, अगर ये इसी में रहा तो इसमें इसकी मौत भी हो सकती है। तो चलिए इसको जल्दी से निकालते हैं बाहर और ले चलते हैं कहीं दूसरी जगह, जंगल में छोड़ने के लिए। अभी तो दम है। और एक बात दोस्तों, ये इतना जहरीला सांप है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो दोस्तों ये 2 घंटे के अंदर इंसान को कोमा में पहुंचा देता है। तो प्लीज़ इसके काटने पर देरी ना करें, जल्दी से जल्दी सही इलाज की तरफ पेशेंट को ले जाएं, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और या फिर जहां आप विश्वास ज़्यादा रखते हो। आपने देखा हो कि हाँ, ये बंदा इनको ठीक कर लेता है, इसका इलाज कर लेता है ठीक से, तो वहीं जाएं और ज़्यादा बेवकूफ़ों के पास ना जाएं। डिब्बा ला मंगाओ, वो जो कहते हैं कि हम झाड़ा लगाते डिब्बा हैं, मंगाओ, डिब्बा कि हम मंत्र से जहर उतार देते हैं, दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। और जब न्यूरोटॉक्सिन हमारी बॉडी में के अंदर जाता है तो वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है दोस्तों। वो किसी झारे या मंत्र से नहीं कटता है, वो कटता है तो एंटी वेनम से कटता है दोस्तों। जब तक उसका एंटी वेनम नहीं दिया जाएगा तब तक वो नहीं कट सकता, जहर कम नहीं हो सकता, जहर नहीं उतर सकता दोस्तों। तो इसलिए बेवकूफ़ ना बने, एक सही इलाज की जगह और एक सही जगह पर ही जाएं दोस्तों। बस यही कहूँगा कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए दोस्तों। तो बस, और दोस्तों ये देखिए, ये इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सांप को देखने की वजह से, और इन सारे लोगों को जागरूक करना हमारा फ़र्ज है दोस्तों। सभी के लिए सही जानकारी बताना कि इस सांप से दूर रहें, इससे हंसी मजाक ना करें। और दोस्तों ये काट ले तो बहुत जल्दी से हमें हॉस्पिटल की तरफ ही जाना है, कोई बाबा आवा के चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं इसको छोड़ने के लिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं पवन कुमार हाजिर हूँ आज और नए कुछ सांपों के साथ। दोस्तों आप जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है, काफ़ी सांप निकल रहे हैं, काफ़ी सारे सांप हैं हमारे साथ, उनको हम जंगल में यहाँ रिलीज करने के लिए आए हैं दोस्तों। चलिए ले चलते हैं उनको। दोस्तों आज ये इतने सारे सांप हैं और उनको हम रिलीज करने के लिए आए हैं एक साथ जंगल में। चलिए आप दिखाते हैं आगे। और मैं दिखाऊँ, अब ये हमारा ब्लैक कोबरा है दोस्तों, काफ़ी गुस्से में है इस वक्त दोस्तों। और आज हम इसको दिखाते हैं आपको कि ये गुस्से में किस तरह से बाइट करता है। तो दोस्तों चलिए इस कोबरा को हम बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कोबरा है ये, और देखिए किस तरह से ये बाइट करता है दोस्तों, और कितना कितने अपनी ऊंचाई को बढ़ा दिया है दोस्तों। Thank you.
जायदाद इसको छाने की इजाज़त नहीं मिली। अब इस वक्त भी हमारा दोस्त बन चुका है और पर दोस्त ऐसा है कि इसको जब भी मौका मिलेगा ये तब हमारे लिए बाइक कर सकता है। वो देखिए इस तरह से सांप से कभी दोस्ती नहीं होती है। तो दोस्तों ये जा रहा है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है ये। अब अपना ये पर्यावरण की ओर जा रहा है दोस्तों और ये जा चुका है। ये देखिए काफ़ी नज़ारा था जाते हुए देखते हुए, काफ़ी बिग साइज का कोबरा था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी मिली हमारे लिए यहाँ जाते हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह और लोगों के साथ, इसी तरह हमारी वीडियो से बने रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए और मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय।